यूपी के बुलंदशहर में कुख्यात गौकशों बदमाशों से थाना गुलावटी पुलिस की मुठभेड़ क्रॉस फायरिंग में एक कुख्यात गौकश बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरा साथी बदमाश रात्रि का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी कॉम्बिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कुख्यात गौकश बदमाश की पहचान वसीम उर्फ कालिया थाना गुलावटी बुलंदशहर के रूप में हुई है। कुख्यात गौकशी बदमाश वसीम उर्फ कालिया पर बुलंदशहर के आसपास जिले हापुड़ नोएडा में संगीन धाराओं में लगभग एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कुख्यात गौकश के पास से एक तमंचा, 315 बोर, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस व गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। की मुठभेड़ बुलंदशहर के गुलावटी पुलिस की अकबरपुर झोझा के पास कुख्यात गौकशी से हुई। ये थाना डिबाई जनपद बुलंदशहर का प्रकरण है। थाना डिबाई पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसके क्रम में एक मोटरसाइकिल पे तीन अज्ञात बदमाश सवार होकर जा रहे थे, जिसको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, जिसके क्रम में उक्त बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा भी बदमाशों के ऊपर फायर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दो बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। जो बदमाश फरार हो गए हैं उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार कॉम्बिंग किया जा रहा है। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उसे उपचार हेतु CSC डिबाई भेजा जा चुका है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जो बदमाश गिरफ्तार किया गया है उसके द्वारा सवारियों को अपने चारपहिया वाहन में बैठा करके उनके साथ लूटपाट की घटना कारित करके फिर आगे जा करके उन्हें सड़क पर फेंक दिया जाता था। अग्रिम पूछताछ इस बदमाश से की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।